सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। NCTEX पर 31 दिसंबर 2021 यानी शुक्रवार को साल 2021 के आखिरी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोयाबीन में सुबह के कारोबारी सत्र में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, लेकिन सेकेंड हाफ के कारोबारी सत्र में सोयाबीन में निचले स्तर से खरीदारी भी लौटते दिखाई दी और कीमतें 6300 पर कारोबार करते दिखाई दी। इससे कारोबारियों को एक बात साफ हो गई कि सोयाबीन में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ना ही ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बाजार के जानकार अभी सोयाबीन में एक सीमित दायरे में कारोबार होने की संभावना जता रहे हैं, जो कि नीचे में 5,800 से लेकर ऊपर में 6,800 तक रह सकती है। मंडियों में सोयाबीन की आवकों में कमी देखने को मिली है। विदेशों में तेल तिलहन में तेजी आई है। मलेशिया में बाढ़ से पाम की फसल खराब हुई, जिसका असर पूरे तेल तिलहन बाजार पर दिखाई दिया है। वहीं साउथ अमेरिका में खराब मौसम से सोयाबीन के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इन सभी के चलते सोयाबीन की कीमतों को छोटी अवधि में सपोर्ट मिलता रहेगा। विदेशों में नए साल पर कामकाज कम रह सकता है, क्योंकि वहां छुट्टियां रहती हैं, जिससे घरेलू तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट देखी जाती है। वहीं भारत में मार्च 2022 में सरसों की आवकें आनी चालू हो जाएंगी, जिससे तिलहन में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार सरसों का रकबा बड़ा है, जिससे उत्पादन भी काफ़ी बड़ा है। वहीं दूसरी ओर UAE ने आयात प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे घरेलू व्यापारियों को वहां से सोयाबीन की डिमांड निकलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।